दिखाता हूँ मैं आपको शिमला का सब्जी मार्केट कैसा है। बहुत लंबा सा है, फैला हुआ मार्केट है, तो हर तरह की यहाँ पे सब्जियाँ मिलती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, दिखाता हूँ आपको शिमला का सब्जी मार्केट। ये है दोस्तों शिमला का सब्जी मार्केट। कितना बड़ा प्राइस है? 30 रुपये। दोस्तों अभी हम है शिमला के सब्जी मार्केट में, तो अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे नींबू, काफी हरे भरे नींबू दिख रहे हैं, रसीले नींबू। और नींबू का प्राइस दिखाता हूँ मैं आपको, 30 रुपये के 500 ग्राम आएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपने नींबू लेना हो तो शिमला के सब्जी मार्केट आ जाइए, तो 30 रुपये के 500 ग्राम मिलेंगे, ताजे हैं, हरे हरे हैं। इन भाई साहब का चेहरा देखिएगा तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो आगे चलते अब, तो आगे आगे चलते ही हमारे, अगर आपने सब्जी लेनी है तो आप थैला भी खरीद सकते हो, क्यों भाई साहब? थैला खरीद सकते हैं ना। एक थैला कितने का है? 20 का ये वाला, ये 10 का थैला है। तो यहाँ पे ताज़ा ताज़ा खीरा मिलेंगे दोस्तों आपको, ताज़ा ताज़ा खीरा, धनिया भी मिल जाएंगे आपको, धनिया, हरा धनिया मिल जाएगा आपको, भिंडी भी अच्छे दाम में मिल जाएगा। अगर आप हरी साग खाने के शौकीन हो, ठीक है, लौकी खाने के शौकीन हो, कद्दू खाने के शौकीन हो, हर तरह की यहाँ पे सब्जी मिल जाएगी, हर तरह की फ्रूट्स भी मिल जाएंगे आपको, प्याज मिल जाएंगे आपको यहाँ पे हरे भरे। मतलब अगर आप सब्जी खाने के शौकीन हो, हरी साग खाने के शौकीन हो, पालक खाने के शौकीन हो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों रेट लिस्ट भी लगा दी गई है, टमाटर 30 रुपये किलो मिलेगा आपको, भिंडी 1 kg 30 रुपये, बाकी आप देख सकते हो। और यहाँ आपको आपको पालक दिख जाएंगे, कद्दू दिख जाएंगे, मूली भी दिख जाएगी आपको, सब कुछ मिलेगा इस बाज़ार में। और आपको प्याज लेना हो, आलू लेना हो, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है दोस्तों। इस तरह का ये शिमला का सब्जी मार्केट है। अब हमारे मोनू सैनी यहाँ पे प्याज लेना चाहते हैं, प्याज लेना है? अगर आपने शिमला के सब्जी मार्केट में प्याज लेना तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइस 40 रुपये किलो का प्याज मिलेगा, आलू मिलेंगे 30 रुपये किलो। और आपको यहाँ पे तरह तरह की यूनिक सी सब्जियाँ भी मिल जाएगी, ठीक है। और इस सब्जी का नाम मुझे पता, इस सब्जी का क्या नाम है अंकल? हाँ जी, तो इस सब्जी का नाम दोस्तों फार्मल है, बाकी तो आपको पता ही होगा इन सब्जियों का नाम। ताजर मीठे मौसमी, ताजर मीठे दोस्तों। आपको शिमला की सब्जी मार्केट की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। और आपको मैं पूरी लोकेशन भी बता दूंगा कि सब्जी मार्केट कहाँ जैसे है, किस तरफ पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हर तरह की सब्जियाँ मिल जाएगी, फ्रूट मिल जाएंगे, और जो जो आप अपने किचन में यूज़ करते हो, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ सब्जियाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप शिमला में रहते हो तो ज़रूर यहाँ पर आ जाना, सस्ते दाम में मिलेगा, ताज़ा मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और आपको यहाँ पे पेठा भी मिल जाएगा, सेब मिल जाएंगे, टमाटर मिल जाएंगे, और ये पता नहीं कौन सी यूनिक सी सब्जी है, इसका नाम मुझे पता नहीं है, लहसुन से लेकर सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आप अचार खाने के शौकीन हो तो आपको यहाँ पे अचार भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको हर तरह के अचार मिल जाएंगे यहाँ पे, देखिए करेला से लेकर मिक्स तक, ठीक है, आप यहाँ पे आ सकते हो दोस्तों, अचार खरीद सकते हो। पपीता भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आगे चलते हैं, आपको दोस्तों लोकल करेले की सब्जी भी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और कड़वा करेले की सब्जी भी मिल जाएगी, बाकी आप देख सकते हो जो जो आप लेना चाहते हो वो मिल सकता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे खजूर भी मिल जाएगी, ठीक है, और कीवी, हाँ कीवी भी मिल जाएगी, फ्रूट से लेकर सब्जी से लेकर सारी चीज़ें मिल जाएगी इस बाज़ार में आपको, शिमला के सब्जी मार्केट में।
दोस्तों हम शिमला की सब्जी मार्केट से निकल चुके हैं। मैंने आपको शिमला का सब्जी मार्केट दिखा दिया है। शिमला की सब्जी मार्केट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप शिमला में रहते हो तो इस सब्जी मार्केट में जरूर आना। तो बाय बाय, टेक केयर।